मोदी जी अभी हम सबने देखा, और ट्विटर पर प्रशांत दीक्षित जी हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा भी है कि बहुत काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, घर रफ्तार से बन रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर हमें दो कदम चलने की आदत थी तो मोदी जी अब हम कई गुना ज्यादा चल रहे हैं, पर फिर भी बेसब्री, अभी 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 क्यों नहीं कि इम्पेशंस, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हर आयु में, हर युग में, हर अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का, नया पाने का मकसद गति देता है, वरना तो मैं समझता हूं जिंदगी रुक जाती है। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है, तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी दृष्टि से बेसब्री एक तरुणाई की पहचान भी है। और आपने देखा होगा जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार फोर व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बाई नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है, वरना एक कालखंड था निराशा की गर्त में हम डूब गए थे। और ऐसा कि चलो छोड़ो यार अब कुछ होने वाला नहीं है, होती है, चलती है। और मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि लोग हमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। आप में से जो लोग बहुत पहले भारत से निकले होंगे शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब अकाल की परिस्थिति पैदा होती थी तो गांव के लोग सरकारी दफ्तर में जाकर के मेमोरेंडम देते थे और क्या मांग करते थे कि इस बार अकाल हो जाए तो हमारे यहां मिट्टी खोदने का काम जरूर दीजिए और हम रोड पर मिट्टी डालने का काम करना चाहते हैं ताकि हमारे यहां कच्ची सड़क बन जाए। उस समय उतनी ही बेसब्री थी कि जरा एक तो अकाल आ जाए, अपेक्षा करते थे अकाल आ जाए और मिट्टी के गड्ढे खोदने का काम मिल जाए और फिर एक रोड पर मिट्टी डालने का अवसर मिल जाए। आज मेरा अनुभव है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, जिसके पास सिंगल लेन रोड है तो वो कहता है अरे क्या मुख्यमंत्री जी अब डबल रोड बनाइए ना, डबल बना था अरे साहब अब तो ये क्या है, पैवर रोड होना चाहिए, पैवर रोड होना चाहिए। मुझे बराबर याद है मैं उच्छल निजर गुजरात के एकदम आखिरी छोर के तहसील थे, वहां से कुछ ट्राइबल लोग मुझे एक बार मिलने आए, वो कहते हैं हमें पैवर रोड चाहिए। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे इलाके में कभी स्कूटर भी घूम रहा था, मैं बस में आता था, मैं सालों तक उस जंगलों में काम किया हूं, तुम्हारे यहां तो रोड तो है। बोले साहब रोड तो है लेकिन अब हम केले की खेती करते हैं और केले हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, तो इस रोड पर हम जाते हैं तो ट्रक में केले दब जाते हैं, हमारा 20% नुकसान हो जाता है, हमें पेवर रोड चाहिए ताकि हमारे केले को कोई नुकसान न हो। मेरे देश के ट्राइबल के दिल में ये पैदा होना, ये बेसब्री पैदा होना, ये मेरे लिए प्रगति के बीज बोता है जी, और इसलिए मैं बेसब्री को बुरा नहीं मानता हूं। दूसरा, आपने परिवार में भी देखा होगा
तीन अगर बेटे हैं, माँ बाप तीनों को प्यार करते हैं, लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं, अरे यार जरा देख लो, जो करेगा उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार, आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। मैं समझता हूं कि अरे बात सही है कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है, वरना मान लिया था पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब, और हम जब कर रहे हैं, पहले एक दिन में जितने रास्ते बनते थे आज करीब करीब 3 गुना हम बना रहे हैं। पहले जितना काम एक दिन में होता था वो आज 3 गुना होने लगा। रेल की पटरी डालनी हो, रेल की डबल लाइन करनी हो, सोलर एनर्जी लगानी हो, टॉयलेट बनाने का काम हो, हर चीज में। और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों को अपेक्षा है, क्योंकि भरोसा है जी। तो ऐसा लगता है कि जब पहले रोड उन तक पहुंचती है और जब उन तक रोड पहुंच जाती है तो वो दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये आशाएं एक तरफ आप जगाने की बात करते हैं और इस बेसब्री को आपने बखूबी समझा, और उसकी जो पॉजिटिव साइड है कि किस तरह से वो बेसब्री जो है वो द्योतक है आगे बढ़ने की एक भावना का, वो आपने हमें समझाया।